हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। कल के डेट पर मैंने आपको एक सूचना दी थी जिसमें ये बताया था कि शिक्षक सीधी भर्ती के तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो इसी के तहत ऑफिशियल लेटर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप अगर ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहां पर लिखा हुआ दिखेगा सहायक शिक्षक की तृतीय चरण की काउंसलिंग है। तो लेकिन ये सहायक शिक्षक की नहीं बल्कि शिक्षक के काउंसलिंग की ये लेटर के लिए इसको जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक पद की तृतीय चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है और इसी के लिए कट ऑफ रैंक दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कट ऑफ रैंक यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कितने कितने लोगों को बुलाया गया है ये भी मैंने आपको कल बताया था। अनारक्षित में एक भी जो है किसी की भी यहाँ पर कट ऑफ रैंक नहीं दिया गया है, निरंक है, यानी कि एक भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। अनुसूचित जाति के लिए आप देख सकते हैं मुक्त में 4272 से 4420 और महिला में रैंक है 4600 से 4714, ठीक है। और दिव्यांग कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के दिव्यांग कैटेगरी में दिया हुआ है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्त एवं महिला का सिर्फ एक अंक जो है एक दिया हुआ है 41908, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये त्रुटि बस सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसके आगे और भी डेस्ट करके कुछ होना चाहिए था, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कितने जो है रैंक तक को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रैंक दिया हुआ है 41908, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मुक्त और महिला दोनों के लिए कट ऑफ रैंक आप देख सकते हैं 1603 से लेकर के 1759, यानी 1759 रैंक तक को यहाँ पर जगह दी गई है मुक्त और महिला में। और आप चाहें तो यहाँ पर दिव्यांग अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कट ऑफ रैंक जारी किया गया है और ये बताया गया है कि इसका डेट जो है 22 सितंबर से, यानी कल से आप दोपहर 12 बजे से 24 सितंबर को शाम को 5 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और इसके बाद आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डेट दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी और कल जो कट ऑफ रैंक कितने लोगों को बुलाया गया है इसके बारे में भी एक बार पुनः मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ तौर पर ऑफिशियली जो है DPR के वेबसाइट में ये दिया हुआ है कि कुल मिलाकर के 1001 अभ्यर्थी इसमें शामिल किया गया है, 1001 अभ्यर्थियों को, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के 889 कैंडिडेट को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसका कट ऑफ रैंक में थोड़ा सा संशय है फिलहाल। और आगे जो भी अपडेट अगर उसमें सुधार आता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 23 अभ्यर्थियों को और अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। वहीं भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो कट ऑफ रैंक मैंने आपको दिखाया, आप चाहें तो वीडियो में अभी पीछे जा करके आप कट ऑफ रैंक देख सकते हैं, जिसमें जो संशय की स्थिति है वो केवल अनुसूचित जनजाति में है, जिसमें 889 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ये जानकारी दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।